राधिका। ए दिल है मुश्किल के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन फन्ने खां में जलवा बिखेरती नजर आएंगी, पर इस फिल्म पर से विवादों का साया हटने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म पहले सलमान खान की फिल्म रिश्वी के अपोजिट रिलीज होने वाली थी। लोग सलमान और ऐश्वर्या की टक्कर का इंतजार कर रहे थे। वहीं हाल ही में फिल्म रिलीज के टलने की अनाउंसमेंट की गई। मेकर्स ने इसे 13 जुलाई को रिलीज करने का फैसला किया और फाइनली फिल्म को 3 अगस्त की रिलीज डेट मिली। इसी दिन रिलीज होगी इरफान खान, दलकीर सलमान और मिथिला पालकर स्टारर फिल्म कारवां। अब ऐश्वर्या राय की फन्ने खां की टक्कर कारवां से होगी, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सलमान खान की रिश्वी से रिलीज डेट फन्ने खां के टलने के बाद भी सलमान खान ने पीछा नहीं छोड़ा है। जी हां, कारवां में भी दलकीर सलमान है जो कन्नड़ के सुपरस्टार हैं और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, पर अब की बार ऐश इस टक्कर को टालने के मूड में नजर नहीं आ रही। इस बार वो तो सलमान से टकराएंगे, पर इसी बीच लगा ऐश को जोरदार झटका। ऐश की फिल्म फन्ने खां के प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा ने क्वियर्स एंटरटेनमेंट को दिवालिया घोषित कर दिया। अब टी सीरीज और राकेश ओम प्रकाश मेहरा मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और माना जा रहा है कि फिल्म का नया बजट तैयार किया गया है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय को अपनी फीस कम करने को कहा गया है। और ये बात ऐसे वक्त पर कही जा रही है जब फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर ये बात सच साबित हुई तो क्या ऐश अपनी फीस कम करेंगी या फिर फिल्म छोड़ देंगी? अगर फिल्म छोड़ देंगी तो सलमान को टक्कर देने के जज्बे का क्या होगा? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।